चलेंगे। नरेंद्र, चुनावी यात्रा बड़ा लोगों ने पसंद किया कार्यक्रम आपका, जो जो अंदाज था पूछने का जन जन के बीच में जाकर के। नरेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हुआ और उस समय कोरोना का जो प्रकोप था वो लगातार जारी था, ऐसे में लोगों को बहुत कम उम्मीद थी कि जो चुनाव के जमीनी रंग हैं वो शायद ही उनको देखने को मिल पाए। लेकिन हम लोगों ने करीब 6 महीने पहले से वो सारा माहौल लोगों को रूबरू कराना शुरू किया और उन सब मुश्किलों के बीच, जब बहुत बड़ी चुनौती कोरोना को लेकर थी, तब भी भारत समाचार मैदान में डटा रहा, लोगों को बताया कि जो जमीनी मुद्दे हैं वो क्या हैं और लोगों ने उन सब चीजों को समझा और उसी के हिसाब से जो आप देख रहे हैं पूरा सिनेरियो पॉलिटिकल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत समझने वाली हैं और इसमें कोई ग्लैमराइज करने की बात नहीं है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा फैब्रिकेटेड बना देने या उसमें कोई चाक चौबंद जो चमकीली चीजें हैं वो लगा देने से कहीं लोग उसको पसंद करते हैं। अब लोग बिल्कुल जमीनी चीजें देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि गांव गली मोहल्ले में जो लोगों के हालात हैं, जो आवाम है वो कैसे रहती है, नेताओं की हकीकत क्या है, मुद्दे क्या हैं, पार्टियां क्या मुद्दे के बारे में सोचती हैं और जनता की राय उसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो अगर इन सब चीजों को देखें ओवरऑल तो समझ में आता है कि भारत समाचार ने वो हर सारी चीजें जो एक आम व्यक्ति से रिलेटेड थी, उनसे जुड़ी हुई थी, आम आदमी के सरोकार की चीजें थी, उन सब बिल्कुल, नरेंद्र आपने बिल्कुल सही कहा, जो आम आदमी के जन सरोकार से चिड़ी चीड़ी चीजें थी, मुद्दे थे, वो भारत समाचार ने पूरी बेबाक तरीके से उठाए, चाहे वो किसी की रैली को कवर करना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का संबोधन हो, सत्ता पक्ष की बात रखना हो, मुद्दे रखना हो, हमारे साथ वो पूरी तरीके से उठाए, वो भी निष्पक्ष तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि हड़बड़ी में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं की, ये सबसे बड़ी बात। नरेंद्र हमारे साथ बने हैं और साथ ही साथ रोहित के पास चलेंगे वाराणसी। रोहित, कितना अच्छा लगता है जब अपने काम को लेकर के जब इनाम मिलता है और एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, आपको कैसा लग रहा है? आलोक जी, हो सकता है शब्दों में हम व्यक्त करें दो चार शब्द निकलेंगे, लेकिन सच कहूं तो शब्द नहीं है, बस वही हाल है कि सबरी ज्योति बेर का जो आनंद खुद ले रही थी उसको व्यक्त नहीं कर पा रही थी, बस वही हाल है। और कुल मिला के जो टीआरपी है, ये सब सारा सिस्टम है, इसमें यही कहना चाहूंगा कि भारत समाचार को दर्शकों ने जो पसंद किया उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि हमने हर खबर स्वाभाविक रूप से दिखलाई। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, चुनाव यात्रा के माध्यम से हमने, हमारे भाई नरेंद्र जी ने लगातार लगभग हर विधानसभा में पहुंचने की कोशिश की, 204 विधानसभाओं में मैं खुद पहुंचा। सामान्य तौर पर चुनाव में एक डिवीजन और जनता की राय जानने की एक चलन है, सभी चैनल करते हैं, लेकिन अब तक का ट्रेंड ये रहा है कि जहां जाना होता है स्थानीय संवाददाता को कह दिया जाता है कि भाई हर पार्टी के 4-4-6 लोगों को इकट्ठा कर लेना, वहां पे हम एक राय सुमारी करेंगे और जनता को हम बता देंगे कि फलाने विधानसभा या लोकसभा की जनता क्या चाहती है। भारत समाचार ने वो काम नहीं किया, हमने कोई प्री प्लान काम नहीं किया, हम चुनाव यात्रा की टीम के साथ लगातार चलते रहे बिना बताए। कभी कभी हमें खुद नहीं पता चलता था कि हम एक जिले को कब पार कर गए और कब किसी दूसरे विधानसभा में पहुंचे। हमने जहां 20-25 लोगों की एक स्वाभाविक भीड़ देखी, चाहे चाय पान की दुकान हो, चट्टी हो, बाजार हो, बिल्कुल वो छोटे छोटे लोगों तक भी आप बीच में गए और उन तक की जो आवाज थी, उनकी जो आवाज थी वो भी पहुंचाई। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता लखनऊ से। अभिषेक, यूपी चुनाव में भारत समाचार की धूम, और इस बात का अंदाजा उसी बात से लगाया जा सकता है जब जिस दिन मतगणना थी और उस दिन लगातार सुबह से हमारी पूरी टीम नेतृत्व कर रही थी और सत्य और तथ्य के साथ हमने उन चीजों को रखा और पूरे चुनाव भर हमारी लगभग यही पॉलिसी रही। और आखिरकार किस तरीके से टीआरपी में नंबर वन। देखिए, जनता की आवाज बना है भारत समाचार, किसी का मुखपत्र बनने की बजाय जनता की आवाज बनना बेहतर होता है और इसीलिए लोगों ने अप्रिशिएट किया है। जहां भी हम गए इलेक्शंस के दौरान, चुनाव के दौरान, लोगों ने हमसे पूछा, हमसे जानकारी लेना चाहिए। इसका मतलब यह था कि लोगों की पहली च्वाइस भारत समाचार थी। निष्पक्षता और सच्चाई के साथ जो खबरें दिखाई गई उसका असर यह है कि आज जो नतीजों में तब्दील हो रहा है, जो रिजल्ट सामने आ रहा है, वो ये बता रहा है कि हमने क्या काम किया, भारत समाचार ने क्या काम किया है इस दौरान।
तकरीबन 74 हफ्ते बाद ये रेटिंग्स जारी की गई हैं और ये रेटिंग्स बता रही हैं, ये कुल मिलाकर के सिग्नेचर है भारत समाचार के काम का। इतने लंबे समय जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये उसका सिग्नेचर है जो आज रिजल्ट के रूप में हमको दिख रहा है। तो जनता ने हाथों हाथ लिया, जनता ने अप्रिशिएट किया। लोगों का चैनल है, जनता का चैनल है, आम व्यक्ति का चैनल है, हर कोई यहाँ पर अपनी बात उठा सकता है निष्पक्षता और सच्चाई के साथ। इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं और इसीलिए ये जो आज रिजल्ट सामने आया है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वो आज एक आंकड़े के माध्यम से भी दिख रहा है। अभिषेक, राजनीतिक दलों का तो रिजल्ट आ चुका था 10 को, हम लोगों का मीडिया का अगर बात करें तो हम लोगों का आ जाया? जी हाँ, थोड़ी देर हुई आने में, लेकिन जब आया तो अच्छा लग रहा है, सबको खुल करके सामने आया है, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। हमारी टीम है, एक मजबूत टीम है जिसने ये काम किया है और पब्लिक ओपिनियन में हम सबसे आगे रहे हैं। मैक्सिमम लोगों तक हमारी वाइड कवरेज रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है। जो खबरें हमारे पास आई उसको निष्पक्षता से लोगों तक पहुंचाया गया है और इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, रिजल्ट देर से आया लेकिन उसमें भी टॉप पे रहे। जी बिल्कुल, और टॉप पर अब कहीं ना कहीं अभिषेक अगर बात करें तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसी लाइन को मेंटेन करना, इसी ट्रैक पर अब आगे चलते भी रहना, ये और बड़ी चुनौती है अब हम लोगों के साथ। जी हाँ, ये तो और भी बड़ी चुनौती है क्योंकि जो लकीर खींची गई है अब उसको और आगे बढ़ाना है, उससे कम पे अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है, नई सरकार का गठन होने जा रहा है और अगले 5 साल इस सरकार से भी हमको हिसाब लेना है, इस सरकार के भी काम की समीक्षा करनी है, विपक्ष से भी हिसाब लेना है और विपक्ष के भी काम की समीक्षा करनी है। तो ये दोहरी चुनौती है, मजबूत चुनौती है और जो पिछला जो काम है उससे भी आगे हमको बढ़ करके काम करना है। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ते रहना है और इसी सच के साथ, इसी बेबाक अंदाज के साथ, इसी निर्भीक पत्रकारिता के साथ तो चुनाव में भारत समाचार नंबर 1 इस वक्त की बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव खबर, चुनावी हफ्ते में सबसे ज्यादा टीआरपी। अच्छा, कुछ शोज हैं जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, आप फील्ड में रहते हैं, लोग भी आपसे मिलते होंगे, आपसे बात करते होंगे अभिषेक। जी हाँ बिल्कुल, देखिए भारत समाचार की जो माइक आईडी है वो अपने आप में एक सबसे बड़ा पहचान है। कई ऐसे अनजान जगहों पे जब जाना होता है जहाँ पे आपके अपने लोग नहीं होते हैं तो लोग ये देख के आते हैं कि ये भारत समाचार है, इसलिए लोग वहाँ पर खुद ही खींचे चले आते हैं। ये पहचान इसलिए हासिल हुई क्योंकि वो जो काम किया गया है उसके पीछे की मेहनत है, सच्चाई है, ईमानदारी है, राय मशवरा लोगों का है, पब्लिक ओपिनियन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि आम व्यक्ति क्या सोचता है। इसीलिए ये नतीजा हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये प्यार मिल रहा है क्योंकि हमने जनता की आवाज़ उठाई है, जनता के बीच में रह करके काम किया है और निष्पक्षता और सच्चाई के साथ काम किया है। तो ये जहाँ पर बड़ी चुनौतियाँ थीं उसको बाखूबी निभाया गया है और चुनाव के समय में ये जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो आप जनता को बताते हैं वही लोकतंत्र के इस पर्व में वो जनता जाती है, मतदान करती है। तो यहाँ पर जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और वहाँ पे और भी बेहतर काम किया गया, इसीलिए इस चुनावी दौरान, चुनाव के दौरान जो 2 महीने का वक्त होता है ये बहुत क्रूशल टाइम था। इस समय हमने और निष्पक्षता और बेबाकी और तेज होकर के यहाँ पर काम किया जिसकी वजह से ये नतीजे हासिल हुए हैं। तो चुनाव में भारत समाचार की धूम रही है और ये आंकड़े भी बता रहे हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े बता रहे हैं। अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए, हम देखिए बता रहे हैं टीआरपी में भारत समाचार को मिला बहुमत, बड़ी खबर। यूपी चुनाव में भारत समाचार की रही